11 का वो आतंकी हमला आज भी जहन में ताजा है। वो गोलियों की तड़तड़ाहट, वो लाशों के ढेर, ताज होटल से लेकर रेलवे स्टेशन तक सब कुछ लहूलुहान था। पूरी मुंबई खून से सन चुकी थी और इन सभी के पीछे किसका हाथ था, ये बात भी पूरी दुनिया से छिपी नहीं है। आज 26/11 का जिक्र इसलिए क्योंकि एक बार फिर पाकिस्तान का दोहरा चरित्र सामने आया है, जिसे जानने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ आप अपनी नाराजगी रोक नहीं पाएंगे। वैसे तो हर कोई जानता है कि पाकिस्तान की धरती आतंक की फसल के लिए कितनी उपजाऊ है, और आज पाकिस्तान ने इस बात पर मुहर भी लगा दी। दरअसल हुआ कुछ यूं कि पाकिस्तान के लाहौर हाईकोर्ट ने हाफिज सईद के संगठन जमात उद दावा के 6 लीडर्स को एक टेरर फंडिंग केस में बरी कर दिया है। बता दें, जमात उद दावा असल में बैन किए गए आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है। इस संगठन ने ही 2008 में मुंबई में आतंकी हमले को अंजाम दिया था, जिसमें 160 लोगों की मौत हुई थी। अदालत के एक अधिकारी ने कहा, शनिवार को मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद अमीर भट्टी और न्यायमूर्ति तारिक सलीम शेख की खंडपीठ ने जेयूडी के 6 नेताओं के खिलाफ सीटीडी की प्राथमिकी मामले में निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया, क्योंकि अभियोजन पक्ष संदेह से परे प्रतिवादियों के खिलाफ इल्जाम साबित करने में नाकाम रहा। अगर यहां पाकिस्तानी अखबार डॉन की माने तो देखिए उसका क्या कुछ कहना है। ट्रायल कोर्ट ने प्रोफेसर मलिक जफर इकबाल, याया मुजाहिद, नसरुल्ला, समीउल्ला और उमर बहादुर को 9 साल की सजा सुनाई थी, जबकि हाफिज अब्दुल रहमान मक्की को 6 महीने की कारावास की सजा दी गई। इन सभी ने लाहौर हाईकोर्ट में जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी और जस्टिस तारिक सलीम शेख की अगुवाई वाली डिस्ट्रिक्ट बेंच में अपनी सजा के खिलाफ अर्जी लगाई। अब देखिए अपराधियों के वकील ने क्या कुछ तर्क दिया, जिसे जानने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। चलिए उसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको बताते हैं। ट्रायल कोर्ट ने सबूतों पर ठीक से गौर नहीं किया, जिसकी वजह से गलत फैसला सुनाया गया। अल अनफाल ट्रस्ट से उनके क्लाइंट्स जुड़े हुए हैं, उसका लश्कर ए तैयबा से कोई लेना देना नहीं है। क्लाइंट्स ने 2000 में लश्कर ए तैयबा को ट्रस्ट से दूर कर दिया था, उनका इस संगठन से जुड़े होने का रत्ती भर भी सबूत नहीं है। आपको बताते चलें, जमात उद दावा के प्रमुख हाफिज सईद और कई दूसरे नेताओं पर टेरर फाइनेंसिंग के मामले में काउंटर टेररिज्म विभाग ने कई शिकायतें दर्ज कराई हैं, जिसमें उन्हें गुनहगार माना गया है। अलग अलग शहरों में जमात उद दावा के सदस्यों पर 41 FIR दर्ज है। हाफिज सईद को UN ने आतंकी करार दिया है। भारत को NIA की मोस्ट वांटेड लिस्ट में उसका नाम है। अमेरिका ने सईद के नाम $10 मिलियन का इनाम रखा था। 2019 में पाकिस्तान में टेरर फंडिंग केस में गिरफ्तार किया गया। फरवरी 2021 में उसे 11 साल की सजा सुनाई गई। तो देखा आपने, इस तरह से पाकिस्तान आतंकियों की रक्षा और उनकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखता है। खैर, पाकिस्तान से पूरे विश्व को और उम्मीद भी कुछ नहीं है।